अगर चिल्ला चार महीने नहीं लगा सके कोई बात नहीं, रोजाना एक घंटे दावत दिया करो। मुझे एक बुजुर्ग ने कहा, सईद अनवर एक घंटा रात को अल्लाह को दे दे, अल्लाह जब आते हैं आसमान पे, और दो घंटे दिन में मखलूक को दे दे, दो घंटे दिन में दावत दिया कर, रात को एक घंटे अल्लाह से बातें किया कर, अल्लाह तुझे पूरी दुनिया में तबलीग में फिराएगा। कौन कौन नियत करता है रोजाना दावत देंगे इंशाल्लाह, लोगों को अल्लाह की तरफ। दो दावतें आज वादा कर लो दोगे, जिससे मिलोगे दोगे, क्या दो दावतें, लेकिन प्यार मोहब्बत से, गर्मी नहीं खानी, तरीके से उसको खाना खिलाओ, उसको जूस पिलाओ, उसको खजूर खिलाओ, उससे पहले मोहब्बत, उसका पहले दिल लो फिर उसका दिल लो, पहले दिल लो फिर दिल लो। क्या करो, दो काम करो, हर मुसलमान का ताल्लुक मस्जिद से जोड़ दो, बस हर मुसलमान का ताल्लुक मस्जिद से जुड़वा दो, और दूसरा हर मुसलमान को पांच वक्त का नमाजी बना दो। इस दो दावतों को दो, देखो मुसलमान कहाँ जाता है। सारा दुनिया का गैर कहता है जिस दिन मुसलमानों के फजर के और जुमे के ईद के नमाजी बराबर हो गए, मुसलमान दुनिया में गालिब हो जाएंगे। मेरे प्यारो, अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह कह रहे हैं इन तंसला यंसुरकुम युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कौन कौन नियत कहता है, आज से फजर और ईशा में मस्जिद में होगा इंशाल्लाह ताला, सुबह बयान सुनेगा, शाम को तालीम सुनेगा, और सबको इन अमाल में लेके आएगा। अगर कोई फजर में नहीं आता, ईशा में ले आओ, चलो भाई थोड़ी तालीम। मुझे एक लड़का मिला, मैंने कहा कैसे ठीक हुए, कहता सईद भाई तालीम में बैठा था थोड़ी देर, पांच मिनट बैठा, एक हदीस सुनी, अल्लाह ने एक हदीस से मेरी जिंदगी पलट दी। ये तालीम का ये जो अमल है, ये अमाले नबुवत में से, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबी के अमाल से है। मस्जिद में हमारा रोजी है इन अमाल में, चाश्त की नमाज मिलता है। हुजूर ससुर का जो कसरत से हज उमरा करेगा, इसको अल्लाह अमीर कर देंगे, इशराक की नमाज में कबूल हज और उमरे का सवाब मिलता है। पर मैं सदके से माल बढ़ता है, मैं कसम खाता हूँ सदके से माल बढ़ता है। मेरा एक जानने वाला है एनडी यूनिवर्सिटी में आया, कहता है सईद भाई मेरे बाप को कैंसर हो गया, 1.5 करोड़ रुपए का इलाज था अमेरिका में, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने आपका बयान सुना, आपने बयान में क्या कहा कि अल्लाह मदद लोगों की कमजोरों की वजह से करता है, जितनी तुम कमजोरों की मदद करोगे इतना अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम जमीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करे, तुम्हारी रोजी तुम्हारे कमजोरों की वजह से मिलती है, जितने अपने खादमों की रोजी, जितने अपने खादमों की आप मदद करेंगे उतनी अल्लाह आसमान से मदद करेगा। उसने कहा सईद भाई मैंने क्या किया, आपका बयान सुना, आपने कहा जो तुम्हारे नीचे है ना, नीचे वाले गरीब गुरबा तुम्हारे रिश्तेदार दोस्त, उनके गरीबों के इलाज कराओ, उसका खर्च करो, तुम्हारे अल्लाह ताला बीमारियां वैसे दूर कर देगा। कहा मेरे बाप को कैंसर था, 1.5 करोड़ का खर्चा था, मेरी तनख्वाह 60-70 हज़ार, मैं रोजाना एक दो मरीज तलाश करता, 5,000-10,000 देता, उनके इलाज कराता, और अब्बा जान को सूरह फातिहा कलौंजी और जैतून और हल्दी ये सब देता गया। कहा सईद भाई 3.5 महीने बाद चेकअप कराया, अल्लाह ने मेरे बाप को बगैर दवाई के शिफा दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने बीमारों का इलाज सदके से करो, लेकिन सदका जब ईमान बनेगा तो सदका काम आएगा, वरना सदका तो दूसरे लोग भी देते हैं उसका फायदा नहीं होगा। ये वादे ईमान वालों के साथ, ईमान वाला कौन है जो कसरत से मस्जिद में नजर आए। आप सब जानते हो खिलाड़ी कहाँ होता है ज्यादा, भाई बताओ ग्राउंड में, डॉक्टर कहाँ होता है अस्पताल में, ताजिर कहाँ होता है फैक्ट्री में, दुकानदार दुकान में, पान वाला पान की दुकान में, और मोबाइल वाला मोबाइल की दुकान में, ईमान वाला मस्जिद में नजर नहीं आता। आज से कौन नियत करता है रोजाना मस्जिद को आबाद करने के लिए वक्त देंगे इंशाल्लाह, 2-2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, और पूरी बस्ती को नमाजी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जितने हमारे गैर मुस्लिम हैं उनके लिए दुआ करो, अल्लाह इनको भी हिदायत दे दे। मैं रोज करता हूँ, मैं ये हिंदुस्तान का जो है ना वरीदा मोदी, इसके लिए भी हर दिन तकरीबन दुआ करता हूँ। हज पे क्या, मैंने कहा अल्लाह मोदी को, मोदी साहब को भी अल्लाह ताला हिदायत दे दे, इस्लाम का नूर इनके अंदर दाखिल कर दे। मैं सचिन तेंदुलकर के लिए दुआ करता हूँ, मैं ब्रायन लारा के, जितने मेरे जानने वाले गैर मुस्लिम है मेरे प्यारों, क्यों, जो जमीन वालों पर रहम करेगा आसमान वाला उन पर रहम करेगा। ये बेचारे क्यों इस्लाम कबूल नहीं करते, 90% अमरीका इस्लाम कबूल करने को तैयार है, उनकी ब्रेक मुसलमान है मुसलमान। मैं एक हिंदू से मिला उमरकोट में, बुजुर्ग पगड़ी पहनी दाढ़ी छड़ी, तो मेरे पास मिलने आए, मैंने कहा कौन, कहते मैं कहा आलिम हाफिज, कहते मैं तो हिंदू हूँ लेकिन मैं मंदिर नहीं जाता, मैं शिर्क नहीं करता, मैं केवल अल्लाह को मानता हूँ, मैं कुरान को मानता हूँ, हुजूर को मानता हूँ, नबियों को, मुसलमान नहीं हूँ। मैं कहा क्यों, कहले पहले मुसलमान को मुसलमान करो फिर मैं मुसलमान हूँ। क्या करूँ, उसको क्या जवाब दूँ, गैर मुस्लिम को मुसलमान करना आसान, मुसलमान को फजर पढ़ाना मुश्किल, मस्जिद में नहीं आता, क्रिकेट ग्राउंड में भेज दो अभी, SHO साहब बुला ले 3 बजे दौड़ के जाएगा, SHO साहब नाराज तो नहीं है, खैरियत है, 3 में बुला लिया, लेकिन अल्लाह के घर नहीं आता। कायनात का मालिक सारी कायनात को चला रहा है, उसकी मुट्ठी में सातों जमीन आसमान है, एक दरअसल से पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं गिरता,
सारी दुनिया का अकेला बादशाह फिरौन उसको बच्चों को मार रहा था कि मैं मूसा को पैदा नहीं होने दूंगा, अल्लाह ने मूसा साहब को पैदा करके उसके घर पाल के दिखाया। यहां दुनिया में वो होता जो अल्लाह चाहते हैं, जो मखलूक चाहती है वो नहीं होता। सारी दुनिया के लोगों से कहो इस वक्त रात है, कयामत एक रात कर दूं उसको दिन कर सकता है।